वर्ष 2017 से प्रदेश में शुरू हुई प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत क्रियान्वयन के चलते हिमाचल ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। योजना के अंतर्गत कांगड़ा जिला में अभी तक 11,632 गर्भवती महिलाओं को लाभ दिया जा चुका है। ये जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी रंजीत कुमार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार ने देश की गर्भवती महिलाओं को 5,000 की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि इस योजना का लाभ केवल एक शिशु पर ही दिया जा रहा है और ये लाभ महिला की गर्भवती के दौरान 3 चरणों में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस आर्थिक सहायता को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए शुरू किया गया है और इस योजना के अंतर्गत 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार देश में नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर में कमी लाना है ताकि नवजात शिशुओं की अच्छे से परवरिश की जा सके जिससे हमारा देश स्वस्थ व कुशल हो सके। रंजीत कुमार ने कहा कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही ये एक अच्छी पहल है जिसके माध्यम से एक उज्ज्वल भारत निर्माण की कोशिश की जा रही है जिसके अंतर्गत गर्भ अवस्था में गर्भवती महिलाओं को सरकार द्वारा 5,000 की धनराशि प्रदान की जाती है ताकि इस धनराशि से गर्भवती महिलाओं और बच्चों का अच्छी तरह से परवरिश की जा सके। उन्होंने बताया कि जो महिलाएं केंद्र या राज्य सरकार में महिला कर्मचारी पीएसयू योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है और इसके अतिरिक्त सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। ये जो वर्कशॉप है ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के उपलक्ष्य में कराई जा रही है और जैसा कि आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में जो हमारी महिलाएं हैं वो कुपोषण का शिकार है और ये भी देखने में आया है कि हर तीसरी महिला कुपोषित है और हर दूसरी महिला अनीमिया का शिकार है यानी कि खून की कमी से ग्रस्त है और ऐसे में अगर जब वो किसी बच्चे को जन्म देंगी तो वो बच्चे कैसे होंगे वो भी आगे लो बर्थ वेट बेबी पैदा होंगे और साथ में ऐसी स्थिति में एक भारत सरकार की तरफ से एक स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है ये इसमें ये है कि जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके बीच में होता क्या है कि जब वो उसने डिलीवर करना होता है बच्चे को तो वो काम पे चली जाती है और उस टाइम भी वो अपनी केयर नहीं कर पाती और ना जब बच्चे को जन्म भी दे देती तो इमीडिएटली वो काम पे चली जाती है दिहाड़ी मजदूरी के लिए चली जाती है तो उससे क्या होता है कि जो बच्चे की परवरिश है उसमें बाधा पड़ती है और साथ में ये जो हम बात करते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को 6 महीने तक देनी होती है वो भी वो नहीं कर पाती है तो एक सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी पहल है कि इसमें जो वेज लॉस होता है जो एक गरीब महिला है जिसका जो वेज लॉस होता है उसके दौरान अगर वो रेस्ट कर ले और उसके बदले में उसको थोड़ी सी मदद मिल जाए जो कि 5,000 रुपये हम दे रहे हैं जैसे ही कोई माँ कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उसको 1,000 रुपये पहली किस्त के रूप में और जैसे ही 6 महीने तक उसका जैसे ही फर्स्ट ANC हो जाती है उसकी एंटीनेटल चेकअप हो जाता है तो दूसरी किस्त दे देते हैं और बर्थ के बाद जैसे ही बच्चे का बर्थ रजिस्ट्रेशन हो जाता है और साथ में उसके पहला चरण जो टीकाकरण का अगर पूरा हो जाता है बच्चे का तो हम तीसरी किस्त दे देते हैं तो कुल मिलाकर हम 5,000 रुपया दे रहे हैं और इसमें अब तक हमारे पास लगभग 11,632 हमने बेनिफिशरीज जिनको हम लाभ दे दिया है और ये जो स्कीम है वो 1/1/2017 से चालू है और इसमें हम जो सारी जो पेमेंट्स है ये ऑनलाइन है इनके अकाउंट्स में चली जाती है। सर अभी पूरा प्रदेश में ये हमारी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है इसका बहुत अच्छे से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और कुछ हमारे पूरे स्टेट जो है जो हमारे जो स्मॉल स्टेट्स हैं उसमें नंबर 1 जो पीछे आंकड़े आए थे उसमें नंबर 1
आई हमारा स्टेट आया है और जो बिगर स्टेट है उसमें नंबर टू पे। तो इस तरह से ये जो सारी इम्प्लीमेंटेशन है एक बहुत अच्छी एक हमारा सिस्टम काम कर रहा है। हमारे अंडर जो सुपरवाइजर सीडीपीओस हैं, सीडीपीओस के अंडर सुपरवाइजर्स और आगे आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो लाभपात्री का जो चयन है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है, प्रचार प्रसार इनके द्वारा किया जाता है और ये फर्स्ट डिलीवरी भी होता है। इसमें जो भी महिला जो सरकारी कार्य में काम करती है या कोई पब्लिक सेक्टर में काम कर रही है या सरकारी नौकर है उसको छोड़कर बाकी सारी महिलाएं इसके लिए पात्र हैं।